हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, कई स्टूडेंट न्यूक्लियर केमिस्ट्री की कह रही थी, जैसे आपका बार का एग्जाम भी है और वैसे भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंस, तो इसमें हमने नोट्स बना रखे हैं, तो ये आपके साथ शेयर कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमें डिसइंटीग्रेशन सीरीज है, थ्योरीज एंड स्टेबिलिटी है, आपका फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस है, फर्स्ट ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स क्या होता है। ठीक है, ये इक्वेशन है ना, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए वाई आर टी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको आपको अच्छे से कर लेना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इसका क्या हो रहेगा, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन है। एक ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टी हाफ है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एल एन टू बाई लैम्डा। अब यहाँ पे है कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट ऑफ एन हाफ लाइफ, तो एन बाई एन नोट किसके इक्वल होता है, वन बाई टू की पावर एन की, ये एवरेज का है, यहाँ पे यूनिट्स दे रखी हैं आपके, देखो आप इसमें चेक कर सकते हो। फिर देखो न्यूमेरिकल्स है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में काफ़ी न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है कि एक रेडियो आइसोटोप सैंपल दे रखा है जिसकी इनिशियल एक्टिविटी दे रखी है 23 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट आफ्टर 1/2 आवर, मीन्स 30 मिनट के बाद द एक्टिविटी चेंज, पहले 23 थी, देन चेंज इनटू 11.5, मतलब डिक्रीज हो गई। तो हाउ मेनी एटम ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड वर प्रेजेंट ओरिजिनली, ये ओरिजिनली कितने थी, ये 2005 में क्वेश्चन आए हुआ है नेट में। ठीक है, तो इसमें देखो आप ए नोट की वैल्यू देख ली हमने, सबसे पहले इनिशियल्स कितनी थी, आपका टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, तो सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या था, ए नोट इज इक्वल टू लैम्डा एन नोट, यहाँ से हम एन नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो एन नोट क्या हो गया यहाँ से, ए नोट बाई लैम्डा, ये कर लिया आपने, तो वहाँ से आपको टी हाफ की वैल्यू हमें डायरेक्ट बताया कि 0.69 बाई लैम्डा होती है, तो यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, लैम्डा अपने पास आ गया, यहाँ से ए नोट हमें पता ही था तो हमने एन नोट भी निकाल लिया, तो वो आ गया 1000। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है। जैसे आप ये चेक करोगे तो यहाँ पे भी हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड का दे रखा था, इज 20 ईयर्स, मतलब टी हाफ 20 दे रखा है, अब की बार लास्ट क्वेश्चन में 30 मिनट था, ए नोट गिवन है आपका, टी आपका 100 ईयर्स था, टी हाफ क्या हो गया 0.693 बाई लैम्डा। अब ए की वैल्यू क्या होती है, ए नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई। फिर ये इक्वेशन होती है ए बाई नोट हाफ ऑफ एन, एन एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी हाफ लाइफ की, क्योंकि ए हमारे पास गिवन था, ए नोट भी था, तो दोनों की वैल्यू कैलकुलेट, यहाँ से आपको एन का आइडिया हो जाएगा कितना है, तो वो वैल्यू पुट कर दोगे तो उसमें ए की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कितने सोडियम दे रखा है, 24 डिकेज टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट 29.8 होअर, इट्स डीके कॉन्स्टेंट इज पर होअर, मतलब इतने होअर्स आएंगे, तो सिंपल सा फार्मूला होता है आपका एन इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब देखो जो चीज़ गिवन दे रखी है वो इसमें पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1/4 दे रखा है आपका इनिशियल का, तो इनिशियल आप एन नोट मान लीजिए, तो दैट मीन्स एन की वैल्यू दे दी इन्होंने एन नोट बाई 4। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे, एन नोट से एन नोट कैंसिल हो गया, 1/4 इक्वल टू ई की पर लैम्डा, और टी टी या क्या टेम्परेचर 29.8 यहाँ पे हो गया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देख सकते हो, आपके एक वुड स्पेसिमेन कंटेनिंग 14 सी टेकन फ्रॉम एन एंशिएंट प्लेस योर 24 काउंट्स 3rd मिनट पर ग्राम, ये पूरा इक्वेशंस पढ़ोगे, बस जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं उन्हीं का यूज करके आपसे सारे क्वेश्चंस पूछने वाला है। टी हाफ क्या होता है हमें पता है, 0.693 बाई लैम्डा, वहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, टी हाफ ऑलरेडी दे रखा है वो पुट कर दिया आपने, फिर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1/T एल एन एन नोट बाई एन। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, एल एन को सिंपल लॉग में 2.303 आ जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी क्या हो जाएगा 1/λ एल एन, एक्टिविटी फ्रेश सैंपल की कितनी है बाई डेड सैंपल्स की, ओल्ड सैंपल्स की कितनी है, ये वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ से आपको टी का आइडिया हो जाएगा कि कितनी वैल्यू जाने वाली। देन आपको डिसइंटीग्रेशन सीरीज का भी आइडिया होना चाहिए, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये सारी वैल्यू पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स में क्या होता है आपका। ठीक है, आइसोबार में क्या होता है, आइसोटोन में क्या होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम तो आपको रेडियो एक्टिव डीके लाइक एमिशंस अल्फा डीके, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो नेट का हो, अब की बार का देख सकते हो उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, नेट जो या गेट की बात करें तो उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था वन न्यूक्लियर केमिस्ट्री से, तो इसमें क्या होगा कि अल्फा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में क्या, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, गामा स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो ये चारों को आपको अच्छे से कर लेना है, इनसे क्वेश्चन फिक्स ही रहता है मोस्टली। अब देखो एन बाई पी रेशियो, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो एंड रिलेशन बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बीच में रिलेशन दीजिए।
अब देखो टाइप्स ऑफ डीके, एन बाई पी रेशियो बताना है आपको कि अल्फा में डिक्रीज होएगा या नहीं होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन बाई पी रेशियो का दे रखा है, अल्फा बीटा, यहाँ पे भी कई बार पूछ लेते हैं कि बीटा में बताओ, जैसे पॉजिट्रॉन है एंटी पो, तो उसमें एन बाई पी वे रेशियो इंक्रीज होएगा डिक्रीज होएगा, कोई चेंज नहीं होएगा, ग्रुप रिप्लेसमेंट में क्या, तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये दे रखे थे, एमिट हो रहे हैं 3 अल्फा पार्टिकल, और डिड्यूस करना में कौन से ग्रुप से रिजल्टिंग एलिमेंट फाउंड किया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कैसे हमने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, यहाँ से हमने सेबी में कैलकुलेट कर रखा है कि अब अगर अल्फा कैलकुलेट करना है तो उसको आप कैसे करोगे, बीटा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। बाइंडिंग एनर्जी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहती हैं, बाइंडिंग एनर्जी सबसे पहले क्या होती है कि कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी जब एक न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, जब प्रोटोन न्यूट्रॉन का कम्बिनेशन, ये इक्वेशंस होती है सिंपल, डेल एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल रहे हो तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी मोर स्टेबल होगा न्यूक्लियस, आयरन एक थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हो गए आपके, अब कैलकुलेट करो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जैसे क्लोरीन की पूछ ली, 17 एटॉमिक नंबर है, 35 इसका मास नंबर है, ये सारी वैल्यू गिवन दे रखी थी, मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ से कहते हैं इसमें सारी थिंग्स गिवन थी, न्यूक्लियस का भी मास दे रखा था। ये फॉर्मूला लगा दो, जेड एम पी प्लस ए माइनस एट एम एन माइनस इन टू में ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। काफ़ी सारे और क्वेश्चंस भी हैं हम ट्राई, और एक ये मैजिक नंबर से एक नंबर का आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है, सिंपली वैल्यू याद रख लो, कई बार वैल्यू गिवन होगी और पूछ लेंगे डिफाइन बताओ मैजिक नंबर, तो याद रख लो कि 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, इसको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। जब ये नंबर्स किसी के पास है ना तो वो ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है, इसके पीछे का एक रीजन होता है, तो आपको सिंपल से इसका भी पता है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस हैं और भी, हम एक दो वीडियो और लेके आएंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, न्यूमेरिकल्स की, जिसमें हम और डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो हमने मेनली ऊपर से बताया आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से हमने इसमें नोट्स कर रखे हैं, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा स्टूडेंट्स की नीड होगी तो हम इस पीडीएफ को शेयर भी कर देंगे आपका, या तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर देंगे, या वैसे पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स की नीड होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियोज़ के लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक दो सीयूटी में भी आ सकता है, जो पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूजी वाले में नहीं आता, उसमें ओनली 12th की केमिस्ट्री करनी है, सीयूटी पीजी के लिए होता है, लाइक जो एमएससी एंट्रेंस देते हैं एमएससी में एडमिशन के लिए, तो उसमें आपका न्यूक्लियर से वन क्वेश्चन आ सकता है, लाइक आपसे अल्फा बीटा गामा मतलब ये पूछ लेंगे कि कैसे एमिशंस हो रहे हैं ना, तो कैसे आप पता लगाओगे, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप है आप सबको इन वीडियोज़ से कुछ हेल्प मिल रही होगी, ठीक है। और कोई टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिए, आई विल ट्राई टू मेक ऑन दैट टॉपिक वीडियोस। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।